क्या आपने कभी सोचा कि आप जो दुनिया में इतना सब कुछ देख पा रहे हैं, ये जीवन आया कहाँ से? कभी आपके मन में सवाल तो आया होगा, हम शुरू से ही ऐसे थे या ये हमें वरदान में मिला? इसका जवाब है नहीं। जीवन आपके लिए ही नहीं, इस पूरी गैलेक्सी का एक रहस्य है। ये इंसान आज जो इतनी तरक्की अपने बुद्धि क्षमता से कर पा रहा है, ये खरबों करोड़ों सालों का विकास है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये जो जीवन है कहीं बाहर से आया या फिर ये पृथ्वी पर ही पनपा, और इतना सब कुछ हुआ कैसे? दोस्तों, सवाल तो बहुत से हैं और इनसे जुड़े हैं ऐसे कई छुपे हुए रहस्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो शुरू करते हैं। लाइफ इस दुनिया की ऐसी उपलब्धि है जो दुनिया के हर एक कोने में है। पृथ्वी पर हर एक जगह फल और फूल रही है। आज इन सभी प्राणियों में से हम यानी मनुष्य बहुत बुद्धिमान हैं। ये इससे पता चलता है कि जब इस समय कोई भी प्राणी जो अभी भोजन के लिए संघर्ष कर रहा होगा, वहीं हम इंसान आज मंगल पर रहने का सपना देख रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होना महज एक घटना थी जो कि 4 अरब साल पहले घटी थी। हमने इतने सालों में इतना विकास कैसे किया, चलिए आपको समझाते हैं। इंसान जो आज इतने आविष्कार कर रहा है, आज हमारे पास सब कुछ है। हम आसान भाषा में कहें तो इस पृथ्वी पर इंसान आज सबसे ताकतवर जीव है दोस्तों। लेकिन हमारे जीवन का विकास काफी रोमांच और कठिनाइयों से भरा रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको वक्त में पीछे लेके जाएंगे, जब ये दुनिया महज एक आग का गोला था, और कैसे जीवन की शुरुआत से लेकर हम अब तक इतने बुद्धिमान जीव पाए। तो आपके सवालों का जवाब खोजने चलते हैं वक्त में पीछे। अभी से करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी बस आग का एक गोला था। हर जगह बस गर्म लावा था। चारों तरफ गैस और मिट्टी के बादलों ने पृथ्वी को चारों ओर से ढक रखा था। इसे ऐसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था कि यहाँ कभी आगे जाकर इतने विकसित जीव होंगे। वैज्ञानिकों के द्वारा इस समय पृथ्वी पर जीवन के बीज का जन्म हुआ। अब ये जीवन आया कहाँ से, इसका जवाब तो अभी वैज्ञानिक के पास नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन किसी उल्कापिंड के साथ कहीं गैलेक्सी से आया था, और कुछ मानते हैं कि जीवन पृथ्वी पर पानी में अलग अलग रसायनों के मिलने से अपने आप ही पैदा हुआ था। लेकिन थ्योरीज की माने तो इस जीवन के बीज ने पृथ्वी के पानी में सिंगल सेल के रूप में जन्म लिया था, और हमारी माइथोलॉजी के अनुसार सबसे पहला बीज पानी में ही हुआ था। ये सिंगल सेल ही हमारा पूर्वज है, और उस समय पृथ्वी पर जीवन का सबसे पहला बीज इस सेल में डीएनए के रूप में कोड और जानकारियां थी। इस सेल में जीन्स इस जानकारी को बाहर भेज सकते थे। लगभग 50 करोड़ साल तक जीवन इन्हीं सेल्स में बना रहा। अभी से करीब 3.5 अरब साल पहले इस सेल ने खुद के जैसे हुबहू दिखने वाले सेल बनाना शुरू कर दिया, और खुद की ढेर सारी कॉपी बना डाली। ये एक अनोखी घटना थी। सेल्स के कॉपी बनाने से जीवन बस विकास की ओर बढ़ने लगा था। ये सेल एक नए जीन्स और जानकारी को बनाने लगे थे। अगर ये सेल्स ऐसा ना करते तो जीवन कभी शुरू ही नहीं होता। 2 अरब साल तक ऐसा ही चलता रहा। पुराने सेल्स नए सेल्स को बना रहे थे, जिससे उनकी इन्फॉर्मेशन नए सेल्स के जीन्स में और ज्यादा डेवलप हो रही थी। फिर एक बार एक घटना घटी, जब सेल्स ने आपस में जुड़कर एक नए सेल्स का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे उन दोनों के जीन्स की इन्फॉर्मेशन कम्बाइंड होके अपने ही जैसे परफेक्ट सेल बनाने लगे, जिन सेल्स में अब एक नहीं 2 तरह के जीन्स की इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद ऐसा ही होता रहा। इन सेल्स में म्यूटेशंस होने लगे, जिससे मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स पनपने लगा। जीवन धीरे धीरे डेवलप होता गया। जीन्स इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर से ये और भी ज्यादा विकसित होते गए, जिस वजह से पानी में नए प्रकार के जंतु बन गए, जिनमें से एक प्रजाति के जीव हमारे पूर्वज थे। पानी में बस 3 इंच लंबे वाटर वॉर्म्स, जो कि अभी पूरी तरह से अंधे हैं, और इन्हें प्रकाश को देखने की जरूरत अभी तक नहीं लगी, जिस वजह से प्रकृति ने इन्हें देखने के लिए आंखें नहीं दी। लेकिन अब समय आ चुका था अपने आप को खतरे से बचाने के लिए इन्हें आंखों को विकसित करना है। ऐसा करने में इन्हें 2 करोड़ साल का समय लगा, जिससे ऐसे सेल्स बन पाए जिससे ये प्रकाश को देख पाए। अब ये पहली बार ये रंगीन दुनिया को देख पा रहे थे, क्योंकि अब हमारे पूर्वजों की आंखें बन चुकी थी। अब इन्हें जरूरत थी ये जो भी देख रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक दिमाग, जो इनके ठीक आंखों के पीछे एक छोटा सा दिमाग विकसित होता गया। अब हमारे पूर्वज एवोल्यूशन के जरिए वॉर्म न रहकर एक मछली के आकार में आ गए। हमारा दिमाग अब छोटे छोटे डिसीजन और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने लगा। लेकिन जैसा हमने बताया, सेल्स के म्यूटेशन की वजह से कई तरह की प्रजातियां विकसित हो गई थी, जिनमें से कुछ खतरनाक भी थी। ऐसे ही खतरनाक प्रजातियां अब शिकार करने लगी थी। अब हमें जिंदा रहने के लिए इन खतरनाक जीवों से बचना होगा। हमने विकसित होकर अपनी चमड़ी को बहुत कठोर कर लिया, जिससे हम सर्वाइव कर सके। लेकिन शिकारी भी विकसित हो रहे थे। उनसे बचने के लिए हमने उथले पानी में रहना शुरू कर दिया, लेकिन उथले पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। हमने अपने आप को बचाने के लिए अभी से करीब 375 मिलियन साल पहले हमने कुछ ऐसा किया जो कि किसी भी जीव ने नहीं किया था। हमने ऑक्सीजन की कमी के चलते अपना मुंह पानी से बाहर निकाला। अब जो हवा ले रहे थे, हमारे शरीर में एक नए ऑर्गन यानी फेफड़ों का विकास हुआ। अब हम पानी और जमीन दोनों पर ही रहने लगे थे। अब हम हवा और पानी दोनों में ही सांस ले सकते थे। अभी से 365 मिलियन साल पहले हमने जमीन पर एक नई दुनिया देखी। ये वो अनोखा समय था जब हमने पानी को छोड़कर जमीन को चुना था। यहाँ हमारे लिए खाना भी था और पर्याप्त ऑक्सीजन भी, लेकिन यहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत तेज थी, जिस वजह से हमारी चमड़ी और मोटी होती गई। अब हमने जमीन पर जीना
करना सीख लिया था। हमारे पूर्वज अपने वंश को आगे चलाने के लिए अंडे देते थे जिससे नई पीढ़ी जन्म लेती थी और इस नई दुनिया की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए दिमाग और ज्यादा विकसित हो रहा था। लेकिन इस जमीन पर हम अकेले नहीं थे, यहाँ भी बहुत से जीव मौजूद थे जिनसे हमें अपने भोजन के लिए लड़ाई करनी पड़ी। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे शरीर में जेनेटिक म्यूटेशन के चलते बदलाव हुए जिससे हमारा मुंह और बॉडी काफी ताकतवर हो गई और हम उनका भी शिकार करने लगे। लेकिन सब कुछ एक जैसा नहीं चलता, प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। 250 मिलियन साल पहले साइबेरिया में पिघला हुआ लावा पृथ्वी की गर्भ से बाहर निकलने लगा। इस मैग्मा की वजह से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड ने सूरज की हीट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बांधना शुरू कर दिया जिस वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई। पृथ्वी के ऐसे माहौल में पेड़ पौधे खत्म होने लगे जिससे बहुत सी प्रजातियां खत्म होने लगी और देखते ही देखते पृथ्वी की 95% प्रजाति खत्म हो गई। बची हुई 5% प्रजाति में हमारे पूर्वज भी थे और कुछ प्रजातियां भी जो कि आगे चल के डायनासोर्स बनने वाले थे। धीरे धीरे पृथ्वी पर सब कुछ ठीक हुआ। अब हम एक बिल्ली की तरह दिखते थे। अब हम अपने शरीर को घसीट कर नहीं चलते बल्कि अपने पैरों से ही आगे बढ़ते हैं। हमने प्रकृति की बहुत सी मार खाई है तब जाकर हम इतने विकसित हो पाए। लेकिन हम अकेले नहीं है, कोई और भी है जिसका विकास ऐसे हुआ है कि उसकी अब इस धरती पर हुकूमत चलती है। ये है डायनासोर, अब इनका ही जमाना है। अब अगर हमें इस धरती पर जिंदा रहना है तो हमें इनसे बचना होगा। डायनासोर्स का विकास हमारे मुकाबले बहुत ही तेजी से हुआ जिस वजह से ये बहुत ही बड़े और खूंखार हैं। इनसे बचने के लिए हमें कुछ ऐसा करना था जिससे हम इनके शिकार ना बन पाए, जिस वजह से हमारा साइज और ज्यादा छोटा होता गया। हम एक छछुंदर की तरह दिखने लगे। अब हम जमीन के अंदर बिल बनाकर रहने लगे। हमारे शरीर पर घने बाल थे तो जब भी हमें सर्दी लगती तो हमारे बाल खड़े हो जाते जिससे हवा हमारे बाल में ही कैद हो जाती जो इंसुलेशन का काम करती थी और हमें ठंड से बचाती थी। आपने ये देखा होगा कि ठंड लगने पर हमारे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं, हालांकि अब हमें जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से आज हमारी बॉडी में बाल कम होते जा रहे हैं। खैर, उस टाइम पे हमें काफी चौकन्ना रहना पड़ता था। उनके देखने से पहले हमें रिएक्ट करने की जरूरत थी जिस वजह से हमारी इंद्रियां और ज्यादा तेज होती गईं। हमारे देखने सुनने सूंघने और महसूस करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हमारा दिमाग भी और ज्यादा बढ़ रहा था क्योंकि हमें जल्दी फैसले लेने की जरूरत थी। दोस्तों, हम इंसानों के लिए अगर बीते समय में कुछ भी अच्छा हुआ है तो वो है डायनासोर। उन्हीं की वजह से आज हमारे पास एक तेज दिमाग और पावरफुल सेंसेस हैं। इससे पहले हमारे पूर्वज अंडे दिया करते थे लेकिन समय के चलते इन्होंने एक जिंदा बच्चे को जन्म देना शुरू कर दिया। अब बच्चों का विकास शरीर के बाहर नहीं बल्कि शरीर के अंदर कोक में होने लगा और इन बच्चों को भोजन देने के लिए हमारे फीड ग्लैंड विकसित होकर मेमोरी ग्लैंड में बदल गई जिससे हम इस काबिल हो गए कि हम अपने बच्चों को दूध पिलाकर उन्हें पाल सके जिस वजह से हम सर्वाइव कर पाए। ये सिंगल सेल से इंसान बनने के सफर में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस छोटे से जीव से लगभग 4000 प्रजातियां विकसित हुई, एक छोटे से चूहे से लेकर एक बड़ी वेल तक और हम इंसानों तक। यहाँ से मैमल्स का जमाना शुरू हुआ लेकिन अभी भी पृथ्वी पर डायनासोर का ही राज था। फिर एक घटना हुई। अभी से 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक माउंट एवरेस्ट के साइज की चट्टान गैलेक्सी से आई और मैक्सिको की खाड़ी में जा टकराई। उस एस्टेरॉइड्स के टकराने से पृथ्वी पर एक महाविनाश हुआ। धूल के बादलों ने पृथ्वी को पूरी तरह से घेर लिया और जगह जगह पर ज्वालामुखी फटने लगे और बहुत ही खतरनाक भूकंप आने लगे। तापमान बढ़ने की वजह से डायनासोर जल के राख हो गए। ये समय इतना भयानक था कि हमारे पास एक ही चारा था, धरती में बिल बनाएं और खुद को बचाएं। सौभाग्य से हम इन सब में पहले ही माहिर थे और हमने ऐसा ही किया। पृथ्वी पर सारी बड़ी प्रजातियां खत्म हो चुकी थी, बस अब छोटे छोटे जीव ही बचे थे जिसमें से हम एक थे। लेकिन नेचर का एक नियम है, न्यू क्रिएशन, और कोई भी न्यू क्रिएशन से पहले पुराने निर्माण को खत्म होना होता है। इस महाप्रलय ने हमें इवॉल्व होने का मौका दिया। इस प्रलय में छोटे छोटे कीड़े जैसे कॉकरोच आदि सर्वाइव कर गए। अब हम जिंदा रहने के लिए केवल यही खाते थे। इन्हें ही खाके हमारे पूर्वज ने खुद को आगे बढ़ाया और अपने आप को जिंदा रखा। आज हम धरती पर हैं तो इसमें बहुत बड़ा हाथ इन कॉकरोचों का है जिनको खाकर हमारे पूर्वज जिंदा रहे। उस समय हमारा साइज 6 इंच का था। धीरे धीरे पृथ्वी की परिस्थितियां फिर से बदलने लगी। महाप्रलय को अब 5 साल बीत चुके थे। पूरी पृथ्वी काफी हरी भरी हो चुकी थी। पेड़ और फल लगने लगे जिसमें बहुत से न्यूट्रिशन थे। बहुत ही बेसिक बात है, हम जितना भी न्यूट्रिशन लेंगे हम उतना ही लंबा जिएंगे। लेकिन परेशानी ये थी कि फल पेड़ पर थे तो हमने खुद को इस तरह से विकसित किया कि हम पेड़ों पर बंदरों की तरह चढ़कर उसी पर रहने लगे। अभी से 56 मिलियन साल पहले हम इस पेड़ों की दुनिया के आदि हो चुके थे। अब हमें जमीन से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन आपको तो पता ही होगा हमारी दुनिया इतनी आसान कहाँ। आने वाले 10 सालों तक पृथ्वी का टेम्परेचर बदलने लगा
जंगल सूखते गए और छोटे होते गए, जिस वजह से खाने की कमी होने लगी। ऐसे में हमने फिर से सर्वाइव करने के लिए जेनेटिक म्यूटेशंस के जरिए हमारी पूंछ गायब होती गई, हमारे हाथ और पैर और ज्यादा लंबे होते गए, जिससे हम हमेशा पेड़ों की डालियों से चिपके रहते थे। हम पृथ्वी के माहौल के हिसाब से ढलते गए, लेकिन पृथ्वी का बदलाव यहीं नहीं रुका। अफ्रीका और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स खींचने लगी, जिससे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ और इसके किनारे पर 3,500 किलोमीटर लंबी पर्वत मालाएं बनी। कभी इंडियन ओशन से लाके बादल पानी बरसाते थे, लेकिन उन बादलों को ये पहाड़ रोक रहे थे, जिस वजह से अफ्रीका के उस इलाके में सूखा पड़ने लगा, सारे संसाधन खत्म होने लगे। लेकिन हमारे पूर्वज अफ्रीका के उसी हिस्से में फंसे थे। अब हमने खुद को बचाने के लिए हमने भूख के चलते पेड़ को छोड़ने का फैसला लिया। अभी से लगभग 4.4 मिलियन साल पहले हम पेड़ों से उतरकर नीचे जमीन पर भोजन की तलाश में निकले। अभी हम 4 फीट लंबे थे और हमारा दिमाग एक संतरे के जितना था। अब जो भी पेड़ मौजूद थे वो काफी दूर दूर थे, जिस वजह से हमने ऐसा किया। अब हम धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना सीख गए, जिस वजह से हमारे हाथ आजाद थे, जिससे हम नीचे खड़े होकर पेड़ से फल तोड़ लेते थे, जिस वजह से हमारी ऊर्जा इस्तेमाल नहीं हो रही थी। आने वाले 1.2 मिलियन सालों तक हमारा क्रमिक विकास होता रहा और हमारा शरीर इस तरह से विकसित हुआ कि हम 2 पैरों पर और तेज भागने लगे और हम आसानी से खाना पानी खोजने लगे। लेकिन 2 पैरों पर चलने की वजह से बच्चे पैदा करने में कठिनाई आने लगी, जिससे पूरी तरह से विकसित बच्चे को जन्म देना आसान नहीं था। फिर सेल्स म्यूटेशंस के चलते हमने ऐसे बच्चे को जन्म देना शुरू किया जो समय से पहले ही पैदा हो जाते थे। माँ की कोख में बच्चे का जो भी जरूरी विकास होना होता और बचा हुआ विकास जन्म के बाद होता। आपने देखा ही होगा, हम इंसान एक ऐसी प्रजाति हैं जिनके बच्चे जन्म लेने के बाद भी कमजोर होते हैं, जिनको अपने पैरों पे चलने में महीनों लग जाते हैं और माँ को अपने बच्चों को सालों तक दूध पिलाकर पालना पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे तो जानवरों में ऐसा नहीं होता, उनका बच्चा जन्म लेते ही चलने लगता है। अभी से 3.2 मिलियन साल पहले हम अपने 2 पैरों पे ही चलते थे, लेकिन हमें जंगली जानवरों से बहुत ज्यादा खतरा था और हम जंगली जानवरों से तेज भी नहीं भाग सकते थे, लेकिन हम अपनी बुद्धि के दम पर उनसे बच तो सकते ही थे। हम लगातार बुद्धि का इस्तेमाल करके लगातार बचते रहे और समय के साथ हमारा दिमाग और ज्यादा बड़ा होता गया। अभी से 2.3 मिलियन साल पहले हमारा दिमाग पहले से 2 गुना हो गया था और पहले हम होमो हैबिलिस थे, जिन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले पत्थर के हथियार बनाए थे, जिनका उपयोग हम अपने शिकार करने के लिए करते थे। ऐसा हमने अपनी दिमागी क्षमता से ही किया था। ये तो बस एक शुरुआत थी, अभी तो हमारे द्वारा बहुत कुछ बनाया जाना बाकी था। समय के साथ इन पत्थर के हथियारों को इस्तेमाल करते गए, उतना ही पत्थर को पकड़ने के लिए हमारा अंगूठा विकसित होता गया, जिससे हमारी पकड़ मजबूत हो जाए। और आज भी जीवन में अंगूठे का बहुत उपयोग है। अब बिना अंगूठे के कोई भी काम नहीं कर सकते, मानो हम अधूरे ही हैं। क्रमिक विकास चलता रहा और आज से 1.8 मिलियन साल पहले हम होमो इरेक्टर बने। अब हम हंटर बन चुके थे, हम खुद ही शिकार करते थे, हम साथ मिलकर शिकार करते हैं और साथ मिलकर ही खाते हैं। फिर एक दिन आसमान में बिजली की वजह से जंगल में आग लगी, जिसमें कई जीव मारे गए, लेकिन ये आग हमें ठंड से बचा रही थी। और जो जीव आग में जल के मरे थे, हमने पहली बार पका हुआ मांस खाया, जो कि हमें बड़ा ही अच्छा लगा, जो कि पचाने में भी आसान था और चबाने में भी। हमने आग को जलाना सीखा। ये खोज हमारी दुनिया को बदलने वाली थी, क्योंकि प्रकृति की शक्ति अब हमारे पास थी। आग हमें दूसरे जानवरों से सुरक्षित रखती थी और हमें ठंड से भी बचाती थी। और सबसे खास, हम पका हुआ मांस खाने लगे, जिससे हमें ना तो पचाने में ऊर्जा लगानी पड़ती और ना ही चबाने में। ये सारी शरीर की ऊर्जा अब हमारे दिमाग को और ज्यादा बड़ा और होशियार बना रही थी। लेकिन अभी भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से एक दूसरे को समझ पाना मुश्किल था। लेकिन सेल्स म्यूटेशंस ने हमारी जरूरत के हिसाब से गले के मसल्स को बदल दिया, जिससे हम तरह तरह की आवाजें निकालने लगे। अब हम बोलकर एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते थे। अभी से 4 अरब साल से सिंगल सेल से सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए विकास क्रम से सबसे आगे आकर इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव हम बन पाए, हम मनुष्य। हमने पशुओं को पालना सीखा, खेती करना सीखा, हजारों आविष्कार किए, चांद पर पहुंचे, मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम यहीं नहीं रुक रहे, आप रोज एक नई आधुनिक टेक्नोलॉजी की नई खोज सुनते ही होंगे। इतना सब कुछ हमने 4 अरब सालों में सीख पाया है और अभी भी सफर जारी है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा, जिस धरती या पृथ्वी पर हम रहते हैं, ये कैसे इस लायक बन पाई कि जीवन को पाल सके? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।